Hello, student Welcome to online lecture series on electromagnetic fields. Myself Kapil Dhamma, Assistant Professor, and this subject is Electrical Engineering, Semester Four subject. So, students, this is lecture number seven of Unit Two. The following topic we will cover in this lecture are Gauss Law statement and proof, application of Gauss Law, use of Gauss Law, and we will able to. Uh, डी एंड ई फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डी एंड ई एंड वी आल्सो फाइंड द एप्लीकेशन्स ऑफ गोस लॉ डिटेल डिस्कशन कवर सो फर्स्ट टॉपिक इज गास्टेटमेंट एंड डिस्प्रूव सो स्टूडेंट चलिए करते स्टार्ट तो गोस लॉ में जैसे आप बताएँ कि स्टूडेंट कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस है ना फ्लक्स पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जैसे कि हमने में हमने देखा स्टूडेंट तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया और ई e और डी के बीच में हमने उसका जो है निरीक्षण भी निकाला तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस वो इक्वल होगा किसके टोटल चार्ज एंड क्लोज बाय डेट सरफेस ओके तो जितना भी क्लोज सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो इक्वल होगा टोटल चार्ज एनक्लोज ऑफ डेट सरफेस यानी कि उस चार्ज के सरफेस के ऊपर जितना चार्ज एनक्लोज है वो इक्वल है कितना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितनी उस उस क्लोज सरफेस में से आ, पास आउट हो रही है ओके तो डेट इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्लो वी टॉक अबाउट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ स्टूडेंट तो एज यू सी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये हमारे पास एक सरफेस है और सरफेस में हमने क्या किया एक एक इन्फानेटमसली स्मॉल सरफेस हमने लिया और परपेंडिकुलर जो है उसका डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन होगा डी आप देख रहे हैं कि डी और ए जो इसका नॉर्मल डायरेक्शन है उसके बीच में थीटा का एंगल जो है वो बन रहा है साथ ही साथ जो इसका क्यू के ऊपर जो सरफेस पर चार्ज है वो क्यू है डिफाइन कर रखा है तो क्लोज्ड इ रेगुलर सरफेस है स्टूडेंट तो डी एस जो वैक्टर होगा डी एस वैक्टर इज गर्ड टू डी एस इन टू डायरेक्शन स्पेसिफिक यूनिट वैक्टर जैसे कि आप जानते हैं कि डी वैक्टर जो है वो फ्लक्स डेंसिटी एट पॉइंट पी है और ए एन क्या है नॉर्मल टू द सर्फेस मैंने भी बताया आपको कि पॉइंट पी पर अगर आपका जो फ्लक्स लाइन पास आउट होंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टूट हमेशा नॉर्मल टू द सर्फेस रहती है ओके ना okay? अगर वो कहता है कि फ्लक्स डी फाइव पासिंग थ्रू द सर्फेस डी एस तो क्या होगा उसका फॉर्मूला जो कि हमने पिछले क्लासेज में देखा डी साई इज इक्वल टू डी एन इन टू डी एस होता है तो डी एन एक्चुअल में कॉम्पोनेंट है डी वैक्टर का जो कि डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्फेस डी एस है तो डी एन को हम थोड़ा सा और थोड़ा सा लिखें तो जो इक्वेशन बनती है स्टूडेंट वो ये बनती है डी एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी कॉस थीटा डी साई क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो हमने क्या किया कि इस डी कॉस थीटा की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट अप कर दिया ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन सा तो ये बन गया डी कॉस्ट थीटा डी एस ओके तो डॉट प्रोडक्ट हो गया अब देखो डी साई इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी कॉस्ट थीटा डी एस तो यहाँ पे कॉस थीटा का जो है डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा तो नेक्स्ट क्या बनेगा स्टूडेंट देखो तो इसमें कुछ फॉलोइंग uh, पॉइंट्स है जो हमें थोड़ा सा uh, देखना चाहिए स्टूडेंट कि इफ देर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस देन जई क्या हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ चार्ज जितना भी नंबर ऑफ चार्ज एन है वो क्यू एन को डिफाइन करेगा सेकेंड है कि इफ देर इज ए लाइव चार्ज साई तो क्यू इज ओक्ल टू लाइन चार्ज इंट्रीगल dl. डी एल इफ़ देरी चार्ज सरफेस चार्ज तो देखिए स्टूडेंट हमने ये सारे डिस्कशन कर रखे हैं और ये गॉस लॉ बता रहा है कि इस तरीके से अगर आपको कोई इंट्रैक्शन मिले तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे इफ देरी दार्ज साई क्यू इज़ Q टू सरफेस डी एस रो एस डी एस और वॉल्यूम है जैसे कि स्केलर क्वांटिटी है तो वो क्या हो जाएगा रो वी डी वी आगे कहता है कि यदि कोई सरफे चार्ज सराउंडेड नहीं है कोई चार्ज नहीं है एनक्लोज तो बट देर आर चार्जेस अराउंड द सरफेस देन नेट फ्लक्स ओवर द चार्ज इज ज़ीरो ओके तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट कि यदि कोई चार्ज सराउंड एनक्लोज सराउंड नहीं है बट देर आर चार्जेस अराउंड द सरफेस सरफेस के अराउंड में सर, जो है चार्जेस है बट सरफेस के ऊपर चार्ज नहीं है तो जो नेट फ्लक्स होगा ओवर द सरफेस वो क्या होगा ज़ीरो होगा तो सरफेस ओवर विच द गॉस लॉ इज अप्लाइड इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस तो जिस पे जिस सरफेस के ऊपर हम अपना गॉस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं स्टूडेंट तो उसको हम क्या बोलते हैं गॉसियन सरफेस ओके तो एप्लीकेशन की बात कर रहा है स्टूडेंट कि गॉस लॉ की बहुत uh, सारी एप्लीकेशन के तौर पर क्वेश्चन पूछ दिया करता है कि पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करें या कुछ और पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे हम एप्लीकेशंस को कवर करते हुए गॉस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ सीखेंगे तो पहला पॉइंट जो है स्टूडेंट पॉइंट चार्जेस और प्रूफ ऑफ गॉस लॉ तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि हमने यहाँ पे कार्टिशन कोऑर्डिनेट में एक इरेगुलर uh, सरफेस बनाया हुआ है और एक डी एस हमने एक इंफेनाइट वेरी स्मॉल सरफेस हमने लिया हुआ है तो फ्लक्स डेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस होती है और थीटा एंगल बनाती है विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस तो डी फॉर पॉइंट चार्जेस की वैल्यू क्या होगी जो कि इस फॉर्मूले से आप देख रहे हैं ये तो जनरलाइज फार्मूला है ठीक है और ये अभी हमने देखा ये वाली जो इक्वेशन है तो डी एस आर जो होगा पॉलर कॉर्डिनेट्स चल रहे हैं तो आर की वैल्यू डी आर हो गई डी एस ठीटा की वैल्यू आर थी थीटा हो गई डी साइन ठीटाजिकल टू आर साइन टीटा डी फाइव हो गई तो ये स्फेरिकल कॉर्डिनेट चल रहा है स्टूडेंट पाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट चलेगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट नहीं चलेगा क्योंकि पॉइंट चार्ज का जो सरफेस uh, होता है वो एक स्फेरिकल बॉल की तरह होता है ओके okay? तो अगर मैं ये कहूँ कि इसको मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया तो ये पॉइंट अगर मैं कहूँ है ना तो मुझे इस पॉइंट के सरफेस के ऊपर बात करनी है तो ये कुछ डी जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा जैसे यहाँ दिखा रखा है तो ये पूरा सरफेस नहीं दिखाया हुआ बट ये एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपको दिखा रहा है तो इसलिए इसने यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के जो हैं है पॉइंट्स लिए हैं स्टूडेंट तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट डी एस वैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी डी एस की वैल्यू आप डाल दीजिएगा यहाँ पे इस वाले पॉइंट में तो ये सारा इस तरीके से बन जाएगा और जो कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि ऊपर जो हमारे पास ये जो रिलेशन है इसमें डी वैक्टर भी है और डी एस भी है अब जो जो कि आपने डी एस पहले ही निकाल दिया ये वाली वैल्यू निकाल दी और डी वैक्टर की वैल्यू क्या है ये री तो ये दोनों की वैल्यू आपने कहाँ डाल दी इस इक्वेशन में डाल दी ओके तो अब इसको हम सॉल्व करने लगे हैं तो सॉल्व करने पर क्या बनेगा देखो तो डी डॉट ई एस तो ये फोर पाई ये यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और हमारे पास जो अब नेट बनेगा वो क्यो डिवाइड बाई फोर पाई साइन थीटा डी डी थीटा डी फाई तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थीटा और फाई की रिस्पेक्ट की बात हो रही है तो अगर मैं थीटा की बात करूँ स्टूडेंट तो थीटा हमेशा ज़ीरो से लेकर पाई वन एटी डिग्री मगर जो फाई है वो कितना है कंप्लीट रेवल्यूशन टू पाई तो इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे अब चूंकि डी डॉट डी की वैल्यू जो है वो हमने इस वाले रिलेशन से निकाल ली है तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुटअप करी तो अब सबसे पहले चूंकि ये थीटा की वैल्यू बात आ रही है तो डी फाई तो जो है आपका यहाँ पर बाहर रह जाएगा और क्यू बाई फोर पाई के रिस्पेक्ट में अब थीटा को रिस्पेक्ट हम करने लगे है. तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस थीटा होता है और लिमिट चलेगी पाई से लेकर जीरो तो कॉस माइनस कॉस पाई यानी कि माइनस कॉस पाई माइनस कॉस पाई क्योंकि अपर लिमिट आपकी क्या है पाई तो माइनस कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट लोअर लिमिट क्या है माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉस ऑफ जीरो हो जाएगा आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो आपका फॉर्मूला बनाया है वो बना है माइनस कॉस थीटा जीरो से लेकर पाई अगर मैं इसको माइनस साइन बाहर ले लूं और अपर लिमिट लगाऊं कॉस पाई माइनस कॉस जीरो है ना तो ये जो है ये तो होगी अपर लिमिट और ये क्या होगी लोअर लिमिट जब आप इसको खोलोगे तो ये क्या बनेगी माइनस ऑफ कॉस पाई प्लस कॉस जीरो है ना तो ये कॉस जीरो वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है ओके अब जैसे कि आप स्टूडेंट जानते हैं कि कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट माइनस वन होती है और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन होती है तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी तो आप देखेंगे स्टूडेंट की माइनस ऑलरेडी कॉस पाई के आगे लगा हुआ है और माइनस की वैल्यू क्या है माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस हो जाएगा कॉस जीरो ऑलरेडी प्लस है तो आपको नेट क्या मिलेगा स्टूडेंट टू मिलेगा ओके okay? अब टू से फोर पाई का एक टू काट दिया तो हमारे को क्या मिलेगा क्यू डिवाइड बाई टू पाई तो बाहर आ गया अब हमारे पास क्या बचा क्यू डिवाइड बाई टू पाई बच गया और इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या बच गया खाली डी फाइव बच गया तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है स्टूडेंट एक्स होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू फाइव क्या होगा फाइव होगा तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि इस लिमिट के अंदर ये हमारे पास फाइव निकल के आया है तो जीरो से लेकर टू पाई यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे टू पाई से टू पाई कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्या निकलेगा चार्ज क्यों निकलेगा तो ये वही चीज़ बता रहा है कि, कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर आपकी जितनी भी फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस एजेक्ट निकल रही हैं पास हो रही हैं वह है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड उस सरफेस के ऊपर जितना चार्ज पड़ा हुआ है उसके इक्वल है तो इससे हमारा गॉस लॉ क्या होगा स्टूडेंट प्रूफ हो गया ओके ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है स्टूडेंट आता है एग्जाम में तो हमें कर लेना चाहिए इसको ओके अब बात करता है कि क्या है गॉस लॉ के यूज टू ऑब्टेन डी एंड ओके तो फ्रॉम गॉस लॉ जैसे कि अभी आपने देखा स्टूडेंट कि हमने इसको अभी प्रूफ किया है इस वाले पार्ट से ओके okay? जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये हमने ऑलरेडी ही प्रूव कर लिया है अभी गॉस लॉ के अंदर वो पॉइंट चार्ज को लेके अब वो कहता है कि यदि डी वेक्टर की वैल्यू डी आर इंटू ए आर वैक्टर है ठीक है तो क्योंकि ये स्फेरिकल कॉर्डिनेट्स की बात हो रही है तो एक्स का जो कॉर्डिनेट होगा इन टर्म्स ऑफ तो स्फेरिकल में तो वो क्या होगा एक्स आर के रिस्पेक्ट में होगा तो ये क्या हो जाएगा डी आर ए आर हो जाएगा अब जो डी एस है उसको हमने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है तो इसके अंदर हमने सेम कंसेप्ट लगाया अब देखो यहाँ क्या होगा कि डॉट प्रोडक्ट का एक कंसेप्ट आएगा कि एक्स ए एक्स डॉट ए एक्स वो हमेशा क्या देता है वन देता है ए डॉट डॉट ए वाई ये क्या देता है वन देता है ए डॉट डॉट जेड ये क्या देगा वन देगा ओके okay? मगर इसके अलावा कुछ भी हो ए डॉट ए एक्स डॉट ए वाई तो उसका आंसर क्या मिलेगा ज़ीरो मिलेगा तो ये ध्यान में हमें रख लेना चाहिए कि सेम टू सेम कंपोनेंट का होगा तो हमें डॉट प्रोडक्ट में वन मिलेगा तो अब अभी देखिए स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पर ए आर है और अंदर भी ए आर है इसका मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो हमें आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा और वो जो मिलेगा वो ये मिलेगा ओके तो डी आर हमें मिल गया ए डॉट वैक्टर ए आर वैक्टर डॉट ए आर वैक्टर वैल्यू वन होती है ये लिख रखा है यहाँ पर और आर स्क्र साइन थीटा डी थीटा डी फाइव ये हमारा एज इट इज रह गया तो आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे डी थीटा भी है और डी फाइव भी है तो उनकी लिमिट्स जीरो से लेकर पाई जीरो पाई से लेकर टू पाई सेम कंसेप्ट जैसे हमने पिछले में चलाया वही चीज यहां पर चलेगा ओके तो आगे जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट तो ये बचा हमारे पास डी आर आर स्क्वा टू टू पाई यानी कि फोर पाई आर स्क्वा डी आर अब आप स्टूडेंट जानते हैं कि यदि फोर पाई आर स्कोर को अगर मैं इस क्यू की साइड ले जाऊं तो क्या बन जाएगा क्यू okay? तो इक्वेशन बन गई आगे डी वेक्टर की वैल्यू कहता है कि डी आर इज टू ए आर होता है तो डी आर तो आपने निकाल दिया तो इस डी आर को मैंने कहा फिट किया यहाँ तो मेरी सिक्स इक्वेशन निकल के आ गई इसी तरीके से अब वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखी

और ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया करता है चलिए स्टूडेंट आगे टॉपिक चलते हैं क्या है तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर इन्फ लाइन चार्ज के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो इन्फिनाइट लाइन चार्ज का जो एप्लीकेशन है अभी हमने पॉइंट पॉइंट लाइन पौंग चार्ज के ऊपर डिस्कशन किया उसके माध्यम से हमने गॉस लॉ के प्रूफ को भी सॉल्व कर लिया तो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ड्यू टू इंफेनाइट लाइन चार्ज तो इनफिनाइट लाइन चार्ज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है स्टूडेंट और यहाँ पे हमने एक सिलेंड्रिकल क्योंकि लाइन जो होगा वो सिलेंड्रिकल नेचर का ही होगा तो एक सिलेंड्रिकल नेचर में हमने ये क्या किया कि हमने इनफेनाइट मेली स्मॉल एक सरफेस कर्व सरफेस के ऊपर पे क्योंकि सरफेस जो बनेगा वो ये वाला है तो इसके ऊपर हमने एक डी एस ले लिया और एयर वैक्टर पर नॉर्मल टू द सर्फेस होगा वहीं आपका डी भी नॉर्मल होगा तो अकॉर्डिंग टू द अब देखिए स्टूडेंट सरफेस आपके कितने बनेंगे यहाँ पे तीन बनेंगे सरफेस एक तो ये बनेगा टॉप वाला एक ये साइड वाला और एक ये बॉटम वाला तो टॉप वाले की बात करें तो स्टूडेंट टॉप वाला एक सर्कुलर नेचर का है नीचे वाला भी आपका एक सर्कुलर नेचर का है ठीक है तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया उस जो इक्वेशन को हमने अभी लॉ के अंदर प्रूव किया था वो अलग अलग अब सरफेस के लिए हम अलग अलग लगा रहे हैं क्योंकि लॉ में ये कहा गया सरफेस के एनक्लोज सरफेस है, जितनी line, में पास हो रही है, है, और पे लगा दिया। okay? तो अब हम इंडिविजुअली लगा लेंगे तो देखो डीवल टू डी आर ए आर ये हम जानते ही हैं और हमने भी पिछले निकाला ठीक है तो अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं डी डॉट डी वेक्टर निकालो डी आर ए आर आर डी फाइव अब आप देखेंगे स्टूडेंट की यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट का यूज़ नहीं करेंगे अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज होंगे क्योंकि सिलेंड्रिकल यूज कर रहे हैं okay? तो पॉइंट यूज होता है वाला। और इनफिनाइट लाइन चार्ज में आप यूज करेंगे स्टूडेंट आपका सिलेंड्रिकल कॉर्डिनेट वाला तो यहाँ देखिए डीएस की जो वैल्यू है वो डी फाइव डी जेड हो जाएगी ओके okay? तो डी आर ए आर डॉट आर डी फाइव डी जेड ए आर ए आर डॉट ए आर वैल्यू वन मिलेगी तो नेट जो हमारे को मिलेगा स्टूडेंट वो ये मिलेगा आर डी आर डी फाइड डी जेड ओके तो डी एज ओनली रेडियल कंपोनेंट डी आर एंड नो कंपोनेंट ओके तो इन ए जेड और माइनस ए जेड डायरेक्शन क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट क्योंकि इन्फाइट लाइन चार्ज के ऊपर बात हो रही है तो ये जेड है ये माइनस जेड है ओके okay? तो रेडियल कंपोनेंट डी आर मिलेगा तो कंपोनेंट ए जेड नहीं मिलेगा तो सो so, टॉप पे अगर बात करें टॉप वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर डी एस की वैल्यू क्या है डीएस और बॉटम वो क्या हो जाएंगे जीरो क्यों क्योंकि इंफाइनाइट लाइन चार्ज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ओके तो कोई फाइनाइट लाइन का चार्ज ये नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि, कि टॉप वाला पार्ट और जो बॉटम वाला पार्ट है वो तो जीरो हो गया ठीक है ना अब बचा हमारे पास कौन सा साइड वाला पार्ट तो साइड वाले पार्ट का हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू तो हमने पहले ही अभी निकाला बस हमें क्या करना है लिमिट्स पुट करनी है तो फाइ की जो लिमिट है वो कहाँ से चलेगी ज़ीरो से लेकर टू पाई और जेड की लिमिट चलेगी ज़ीरो से लेकर एल क्योंकि ये इन्फानाइट लेंथ है तो ज़ीरो से लेकर एल हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जीरो से लेकर एल जेड को इंटीग्रेट किया और ज़ीरो से लेकर फाई आ, फाई को ज़ीरो से लेकर टू पाई इंटीग्रेट किया तो आर डी आर मेरा क्या है कॉन्सटेंट है इस तरीके से आपने देखा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जेड के अंदर और अपर लिमिट लोअर लिमिट फाइव के अंदर लगाने पर मेरे को क्या मिलेगा क्यू इज इक्वल टू आर टाइम्स डी आर टू पाई एल मिल जाएगा ओके अब जैसे कि आपने देखा कि वही रिलेशन हम यहां यूज कर रहे हैं जैसे भी हमने पिछले पॉइंट चार में यूज किया कि क्यू की वैल्यू जो होती है वो टू आर एल डी आर होती है तो मैंने क्या किया इस, पाई आर L, इस टू डिवाइड हो जाएगा मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ लिख दिया आगे जो इस इक्वेशन का जैसे यहां ने देखा कि डी इजल टू जो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्स का जो कंपोनेंट है वो तो डी आर ए आर होता है तो डी आर तो आपने पिछले वाले स्टेप में निकाला तो इस वाले स्टेप के अंदर इसको पुट कर दिया ए आर आपने लगा दिया ओके साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो रो एल है ये भी हमने सीखा प्रीवियस क्लासेस में तो इसकी वैल्यू क्या है क्या चा, क्यों डिवाइड बाय एल ओके तो डी इज इक्वल टू रो एल टू पाई आर ए आर सेंटीमीटर पर स्क्वायर तो डी इज इक्वल टू एफ नॉट एट इसका भी रिलेशन हम निकाल चुके हैं तो एफ नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी डी बाई एफ नॉट तो इसका इ, इसकी वैल्यू डी की वैल्यू यहाँ हमने आप पुट करी तो जो नेट हमारा आंसर बन के आएगा वो ये निकलेगा ये वाला ओके सो दिस इज द फर्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इन्फनाइट लाइन चार्ज यूजिंग गॉस लॉ ओके अब थोड़ा कोएक्शिल केबल की बात करें तो ये भी एक सिलेंड्रिकल नेचर का ही है को एक्ल केबल में लाइन चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सर तो इसमें दो आपके कैंसेप्ट उठेंगे एक तो है आउटर जो सरफेस और एक है इनर सरफेस तो इसके लिए फिर हमारा आउटर चार्ज डेंसिटी और इनर चार्ज डेंसिटी तो ये देखिए स्टूडेंट को केबल में जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइन चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर इनर कंडक्टर क्या हो जाएगा रो रो एस इंटू एरिया डिवाइड बाय टोटल लेंथ तो सरफेस तो एरिया भी हमने निकाला है टू पाई ए टू एल एक एल या आर कहो बात एक ही है तो टू पाई रो एल इज इक्वल टू टू पाई रो एस हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट कि जो रो एस बाई एल है वो रो एस ही है तो इससे हमारा एक रिलेशन बन गया कि रो एल इज टू टू पाई ए और रो एस बन जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ लाइन चार्ज क्या हो जाएगा क्यू इज टू डी एन टू पाई आर एल तो लेंथ जो बनेगी रेडियस की बी से छोटी बट ए से बड़ी तो जस्ट हमने क्या किया हम फार्मूलाज के अंदर पुटअप कर रहे हैं स्टूडेंट जो हम हमारे ऑलरेडी फार्मूलाज है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाले ही कंसेप्ट लगाया जा रहा है इसके अंदर यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुटअप करी है सिमिलरली फिर वही कंसेप्ट जैसे अभी हमने वैल्यूज को पुटअप किया यहाँ पे ये पुट अप किया और इनकी लिमिट्स लगा दी है यहाँ पे और लिमिट पुट करने पर क्यू इजल टू टू पाई ए एल रो एस आ जाएगा तो फाइन डी आर डी आर की वैल्यू कितनी टू पाई आर जेड इजल टू टू पाई ए एल रो एस हो जाएगा तो टू पाई एल एल दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए आर टाइम्स और डी आर इज टू ए टाइम्स बन जाएगा तो डी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट ए बाई आर रो एस बन जाएगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट तो डी की वैल्यू क्या हो गई ए डी आर डॉट ए आर वैक्टर तो ये आपको क्या मिला यहाँ पे ये वाला वैल्यू मिल जाएगी ठीक है तो डी वैक्टर इज क्वाल टू ए बाई आर रो एल टू पाई ए ए आर तो ए से एक कैंसिल लाओ तो डी तो वैक्टर की टू रो एल टू पाई आर ए आर हो जाएगी तो इसी तरीके से आप ई का रिलेशन सेटअप करोगे तो डी बाई एफ हो जाएगा तो डी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ऊपर वाले स्टेप में यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो तो, तो ये आंसर आ जाएगा निकल के तो नेट जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो इस रिलेशन में निकलेगी ओके अब बात करें यदि इन्फाइट शीट ऑफ चार्ज की बारे में बात करें स्टूडेंट तो इसमें वही कंसेप्ट कह रहा है कि गॉस लॉ के माध्यम से आप ये बताएं कि इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज के ऊपर भी क्या कंसेप्ट लगेगा तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंसिडर करें एक इन्फनाइट शीट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज जिसके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो एस है इन एक्स वाई प्लेन तो एक्स वाई प्लेन के अंदर एक यूनिफॉर्म शीट एक इन्फेनाइट शीट चार्ज है इसके बाद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो एस है तो विच इज कट बाई शीट ऑफ चार्ज डीएक्स इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई बट ऑब आप एक्स वाई प्लेयर की बात करें तो डी एस जो उसका बनेगा वो क्या बनेगा डीएक्स इन टू डी वाई बने तो क्यू इजल टू क्या है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये रहा तो इसके ऊपर भी दो कंसर्ट बनेंगे साइड टॉप एंड बॉटम तो साइड कौन सा है ये वाला ये साइड हो गया और टॉप क्या है ये वाला बॉटम क्या है नीचे वाला तो टॉप सरफेस अगर वे तो वेयर डी एस साइड्स की बात करें तो साइड से मेरा ये वाला पॉइंट जो है स्टूडेंट ये हमारा क्या है जीरो है टॉप की बात करें तो टॉप टॉप हमारा क्या है जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस के लॉन्ग तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी तो डी डॉट डी एस इक्वल टू डी जेड डी एक्स डी वाई तो बॉटम सरफेस की बात करें स्टूडेंट तो बॉटम सरफेस में अगर हम बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में तो ये ये तो हुआ पॉजिटिव जेड एक्सिस के बारे में अगर हम नीचे की बात करें तो इसका जो डायरेक्शन बनेगा वो कहाँ बनेगा माइनस जेड की तरफ बनेगा तो यहां पे इसका डायरेक्शन अलग होगा बाकी सेम है ओके तो इसका आंसर क्या बनेगा तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं टॉप और बॉटम को ऐड कर रहे हैं तो जैसे आप देख रहे हैं तो ट्वाइस में ये टू टू डी जेड डी एक्स डी वाई तो ये क्या होगा ट्वाइस में एरिया डी एक्स इन डी वाई एरिया हो जाएगा तो टू डी जेड ए अब रो एस की वैल्यू क्या है ट्वाइस में डी जेड ओके तो डी जेड इक्वल टू रो एस बाई टू इक्वल टू रो एस बाय ए तो डी वैक्टर इज इक्वल टू डी जेड इंटू एक्टर तो रो एस बाय ए रो एस बाय टू इंटू ए जेड ए जेड से ए जेड आप कैंसिल आउट भी करना चाहें तो हो सकता है क्योंकि रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो डी वैक्टर की वैल्यू क्या है रो एस बाय टू इंटू ए जेड ई की वैल्यू क्या होगी डी बाई तो डी वैल्यू यहाँ अप कर दी तो इस तरीके से हमने देखा किया कि डी और ई की वैल्यू भी निकाल दी ओके okay, स्टूडेंट्स इसी तरीके से स्फेरिकल चार्ज सेल ऑफ चार्ज की बात करें स्टूडेंट तो स्फेरिकल चार्ज सेल ऑफ चार्ज की आ, में क्या है कि वो भी एक स्फेरिकल नेचर का और यहाँ कॉर्डिनेट्स जो बनेंगे स्टूडेंट वो बनेंगे आपके आ, स्फेरिकल कॉर्डिनेट्स वाले तो यहाँ कंसिडर एक स्फेरिकल चार्ज A है जिसका रेडियस ए है चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सरफेस विद विदिटी रो एस तो केस वन यदि आर की वैल्यू ए से बड़ी है तो पॉइंट पी इज आउटसाइड द शेल तो पी का जो पी का लोकेशन है वो कहाँ होगा शेल से बाहर तो उस केस में जो डी क्यू इज टू साई इज इक्वल टू डी एस क्लोज कंटूर एस डॉट डी एस इज ईक्ल टू एस डी साई तो डी वैक्टर इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की तो डी आर ए आर डी एस इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी डी थीटा डी फाई ए आर क्योंकि हम फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात हैं फेरिकल शेल में तो डी फाई की वैल्यू क्या होगी डी डॉट डी एस डी आर ए आर आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डी फाई ए आर तो ए आर डॉ ए आर का कंसेप्ट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मानेंगे आपको हमेशा वन मिलेगा यहाँ पहले अभी दो तीन जगह जो एप्लीकेशन यूज़ करी है उसमें यहाँ यूज़ हो रहा है तो स्टूडेंट केस uh, पहला है कि आर इज आर इज़ ग्रेटर देन ए तो पी जो है जो पी की लोकेशन इस केस में जो होगी वो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल होगी तो क्या ओजल टू जो कि साई है इजल टू क्लोज कर कंटूर या क्लोज कर सरफेस डी डॉट डी एस जिसकी वैल्यू हो जाएगी डी साई के इक्वल तो सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कॉर्डिनेट की बात करें तो स्फेरिकल क्योंकि ये शेल की बात कर रहा है स्फेरिकल नेचर का तो डी वैक्टोरिकल टू डी आर ए आर डी एस वैल्यू आर स्क्र साइन टीटा डी टीटा डी फाई आर हो जाएगा तो डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी डॉट डी डॉट डी एस तो दोनों को प्रोडक्ट किया है ए डॉट ए आर डॉट ए आर विजिकल टू वन हो जाएगा तो डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी आर आर स्क्र साइन थीटा डी टीटा डी फाइव हो जाएगी ओके वही सेम कंसेप्ट और लिमिट हमारी जीरो से लेकर पाई और जीरो फाई की वैल्यू जीरो से लेकर टू पाई बनेगी तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस और सीटा तो टू यहां पे आ जाएगा ओके क्योंकि माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो तो ये प्लस टू हो जाएगा ओके तो नेक्स्ट स्टेप में जो बनेगा इसको टू uh, पाई बन जाएगा और टू पाई फाई uh, का इंट्रीग्रेशन टू पाई ये हमारे पास फोर पाई आर स्क्र डी आर, जाएगा। आर आ जाएगा डी आर वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू ओवर फोर पाई आर स्क्वायर डी इज इक्वल टू डी आर ए आर क्यू इज टू फोर पाई आर स्क्वायर ए आर वैक्टर लॉन्ग तो ई की रिस्पेक्ट में आज करें तो डी बाई एफ नॉट सेम फॉर्मूलाज है स्टूडेंट बस केसेस बताई गई हैं कि क्या किस केस में क्या बनेगा तो कहता है कि लेट क्यू इज इक्ल टू चार्ज टाइम्स टी सरफेस और सरफेस एरिया ऑफ सेल फोर पाई आर स्क्वायर क्योंकि हम स्फेरिकल सेल की बात करें तो सरफेस एरिया स्कोर क्या होता है फोर पाई आर स्क्वायर होता है तो डी इजल टू क्यो डिवाइड बाई फोर पाई आर स्क्वायर इंटू ए आर तो डी इज इक्वल टू रो एस फोर बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई फोर पाई आर स्क्वायर ए आर तो फोर पाई से फोर पाई कैंसिल ए स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड टू ए आर ओके स्टूडेंट तो ये डी वैक्टर हो गया ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी वैक्टर डिवाइड बाई एफ नॉट तो यही वाली वैल्यू को उठा करके तो तुम्हारा ई निकल आएगा ओके केस टू कहता है कि यदि पॉइंट पी जो है वो शेल के ऊपर हो यानी आर इज टू ए तो उस केस में क्या होगा क्यूजल टू फोर पाई एफ नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा डी वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू डिवाइड बाई फोर पाई ए स्क्वायर हो जाएगी स्क्र हो जाएगी तो एक, एक केस होने के बाद जो है आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एक इक्वल हो जाएगी तो हमने आर की वैल्यू क्या रख दी ए रख दी केस तीन है कि यदि ये इन में हो तो उस केस में कि आर की वैल्यू क्या है लेस देन ए है तो स्पेरिकल सेल गॉसियन सरफेस जो अंदर वाला बन रहा है तो साई जो है क्यू इज टू डी एस जो कि जीरो हो जाएगा तो डी इजल टू जीरो टू जीरो तो इनसाइड तो आपका आंसर जीरो है ऑन द पॉइंट जैसे भी हमने डिस्कशन किया ये वाला पॉइंट है और आउटसाइड द पी जो पी लोकेशन आउटसाइड पी है वो हमारा जो प्रीवियस हमने जो एक स्पेरिकल पॉइंट चार क्यों डिस्कशन किया वही सारा पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है ओके स्टूडेंट्स दिस इज द वेरिएशन ऑफ ई अगेंस्ट आर तो ई वैक्टर इन वॉल्यूम पाई मीटर क्यों डिवाइड बाई फोर पाई नॉट तो ये वेरिएशन है आर की जब आर छोटा है ए से तो ई e की वैल्यू कितनी है आर ए पे इक्वल हो जा रहा है तो कितनी है और आर ग्रेटर देन ए हो जा रहा है तो ये कितना ये भी मॉडर्ट है स्टूडेंट तो इस ग्राफ को हमें कर लेना चाहिए सो दिस इज अबाउट द डिस्कशन इन द दिस लेक्चर सो दिस इज अबाउट द टॉपिक डिस्कशन इन दिस लेक्चर सो वी वी डिस्कस द गॉस लॉ एंड देयर कंसेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन इन वेरियस आस्पेक्ट्स सो आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक और डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट तो इस लेक्चर में इतना ही तब तक के लिए थैंक यू